हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू काजल ब्लॉग्स। आज मेरा कोलकाता में दूसरा दिन है और मैं सुबह 7 या 7:30 बजे उठी। थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। उठने के बाद मैं अपने बेडशीट को फोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि बात के लिए अगर छोड़ दूँ तो रखा ही रह जाता है ऐसे ही। उठने के बाद मुझे विंडो के बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है और आज तो यहाँ बारिश भी हो रही है। कोलकाता में गर्मी के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि बर्दाश्त के बाहर होती है, इसलिए अभी जो मौसम है वही ठीक है। एक दो दिन से बारिश हो रही है। बाल को भी अरेंज कर लेते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। टिथ ब्रश कर रही हूँ। पहले मैं 2 बार ब्रश करती थी, सुबह और रात, जब बीच में मेरा टिथ का कंडीशन ख़राब हो गया था, बट अभी मैं एक ही बार करती हूँ। अभी भी बारिश हो रही है। मुझे शॉप से कुछ सामान खरीदना है ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैं अम्ब्रेला लेकर निकली हूँ। हम लोग जहाँ रहते हैं उसके बहुत सामने है शॉप, 3 से 4 मिनट का रास्ता है। ज़रूरत का सारा सामान यहाँ आसपास मिल ही जाता है। मुझे ब्रेड, मिल्क एंड टी खरीदना था, तो ये सब लेकर मैं वापस आ गई। ब्रेकफास्ट में रेड टी, ब्रेड और एक मीठा है। मिल्क वाला टी मुझे मन नहीं था, इसलिए मैं रेड टी पी रही हूँ। ये फाइनल ब्रेकफास्ट नहीं है और एक बार करूँगी। जब मैं अपने होम टाउन में रहती हूँ तो डिफरेंट ब्रेकफास्ट करती हूँ और यहाँ डिफरेंट, मुझे कोलकाता वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। एनीवेज, अब मैं आटा गूंथ रही हूँ। आटा के साथ चना का सत्तू या फिर मकई का सत्तू मिक्स करने से रोटी या पराठा और भी टेस्टी बनता है। इधर दी चना का सब्जी बना रही है। अभी मैं नहा चुकी हूँ और थोड़ा बहुत स्किन केयर करूँगी। ये मुल्तानी मिट्टी है और दूसरा वाला फिटक्री है। दोनों को मिक्स कर लेंगे पानी में और फेस पर अप्लाई करना है। हम लोग तीनों ही मजाक मस्ती कर रहे हैं और साथ ही साथ फेस में अप्लाई भी कर रहे हैं। दस मिनट रखने के बाद मैंने पानी से फेस को वॉश कर लिया है और मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। पहले मेरा स्किन बहुत ड्राई रहता था, जब से मॉइस्चराइज़र लगाना स्टार्ट की हूँ तब से सही है। अभी आफ्टरनून हो चुका है, हम लोग निकले हैं पानी लेने। जिससे हम लोग ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, उनको कॉल करने से बुला देते हैं, पर अभी हम लोग किसी और के पास से पानी लेंगे क्योंकि वो तो अवेलेबल है नहीं। फ़िलहाल हम लोग 20 लीटर वाला जो गैलन आता है वही लेते हैं। अभी आफ्टरनून हो रहा है तो ज़्यादा क्राउड भी नहीं है रोड में। थोड़ी देर बाद वापस हम लोग वाव मोमोज आए क्योंकि हम लोग को मोमोज खाना था। पैक करा कर घर ले आए, यहीं खा रही हूँ बैठकर। तो यही एंड करती हूँ ब्लॉग। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक करना ना भूले, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है Hi I am Kajal, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।